हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो दोस्तों, बिहार के अंदर में एक बार फिर से नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो गया है और टोटल पोस्ट जो है 382 पदों के ऊपर वैकेंसी आने वाली है। इसमें आपके ASO के भी पद शामिल होंगे, क्लर्क के भी शामिल होंगे और इवन दो प्यून ग्रेड के भी इसमें पद शामिल रहेंगे। ठीक है, एक तरीके से मैं बताऊं तो देखिए, एक नया विभाग ही इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, एक नए विभाग की ही स्वीकृति दे दी गई है और इस नए विभाग के तहत इतने पदों का सृजन किया जाएगा। उस नए विभाग के अंदर में ASO, क्लर्क, प्यून, यानी इन सारे कर्मचारियों की जो है ज़रूरत सरकार को पड़ेगी, तो उस हिसाब से पदों का सृजन किया गया है। ऑफिशियल जो है नोटिस आपके सामने मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। एडवाइजरी आ गया है, नोटिस आ गया है, अभी फ़िलहाल ये गवर्नमेंट तरफ से पास हो गया है और ये प्रेस नोट जो है शेयर किया गया है सरकार के द्वारा, जिसके साथ मैं ये सारा जो है न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसके माध्यम से। तो इस न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों में, ताकि ऐसे सारे अपडेटेड न्यूज़ उन तक पहुँचता रहे। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग सबसे पहले वो नोटिस देख लेते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, हम लोग आ गए अपने ऑफिशियल ये नोटिस के ऊपर में। बिहार सरकार भवन निर्माण विभाग प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये प्रेस नोट है और अभी जो है इससे संबंधित आपको ऑफिशियल नोटिस भी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगा जब भी ऑफिशियल नोटिस भी आएगा। तो इसमें 382 न्यू पदों का सृजन किया गया है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे जब आप आइएगा, देखिए इसमें पंचायती राज विभाग से भी संबंधित प्रेस नोट हैं जो कि पंचायत संबंधी जो अभी सारी बातें आई हैं उस पर, फिर वित्त विभाग से भी संबंधित है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग से भी रिलेटेड है। ठीक है, प्रेस नोट यहाँ पे, फिर यहाँ पे जब आप नीचे आइएगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से भी रिलेटेड है। हमारे जो काम का है हम लोग उसकी बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, 70वीं BPSC अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड BPSC PTC और सिलेक्शन पेड प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत देखिए थर्ड पार्टी जितने भी प्रैक्टिस सेट होते हैं, जैसे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, डूटीरिया, इन सारे जो कोचिंग संस्थान में ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट जब हो जाता है तो इसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी डाल दिया जाता है वहाँ प्रैक्टिस सेट हो जाने के बाद। ठीक है, और ये सारे प्रैक्टिस सेट आप जान रहे हो ऑफलाइन मोड में काफ़ी महंगा होता है, 4,000-5,000 के आसपास का प्रैक्टिस सेट होता है, तो आप लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में इसको पा सकते हैं। 80 से भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ 80 तो हमने यहाँ पर लिख रखा है, बट राइट नाउ 110 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी अपने ग्रुप में दे दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में है, तो जितने भी बाइलिंगुअल वाले छात्र हैं, अंग्रेजी वाले या हिंदी वाले, उनको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। आपको केवल 199 का पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट है और ये ग्रुप प्रीलिम्स तक चालू रहेगा, वैलिड रहेगा। इसके अंतर्गत आपको इसी में करंट अफेयर्स से संबंधित भी PDF मिल जाएगा, बिहार स्पेशल से भी संबंधित इसी में PDF मिल जाएगा। आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग WhatsApp पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा। ध्यान रखिए ग्रुप केवल प्रीलिम्स तक ही वैलिड रहेगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वास्थ्य विभाग से भी रिलेटेड संबंधित है, ठीक है, कला संस्कृति विभाग से भी संबंधित है, उसके जो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा देखिए जल संसाधन विभाग से भी है। हमारे काम का जो नोटिस है, हमारे काम का नोटिस संबंधित है यहाँ पे आ गया। देखिए चलिए, खेल विभाग संबंधित हमारे काम का नोटिस है, इसको अच्छे से पढ़ना है, यही हमारे काम का है। तो खेल विभाग से संबंधित जो है यहाँ पे नोटिस दिया गया। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ मालूम होगा, खेल विभाग अभी रिसेंटली जो है बिहार में खेल विभाग जो है अब बहुत प्रोएक्टिव हो गया है और इसके तहत अलग अलग खेलों को अनुदान भी दिया जा रहा है, ग्रांट भी दिया जा रहा है, स्टेडियम का निर्माण भी किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो इसी के तहत ये सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे इस नोटिस को अच्छे से पढ़िएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना खेल विभाग बिहार के अंतर्गत एक वित्त पोषित संस्था है। इसका उद्देश्य बिहार में खेल एवं खिलाड़ियों के विकास तथा खेलों को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा संचालित खेल से संबंधित योजनाओं, विभिन्न स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं खेल अवसंरचनाओं के रख रखाव, खेल अकेडमी, प्रशिक्षण केंद्रों का अधिष्ठापन, संचालन करना, खेलों के विकास के लिए देश विदेश स्थित प्रतिष्ठित सरकारी व निजी खेल संस्थान, राज्य एवं राष्ट्रीय खेल संघों से समन्वय स्थापित कर खेल गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु खेल अकेडमी की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, उक्त वर्णित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के कुशल प्रबंधन एवं
संचालन हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कला संस्कृति और युवा विभाग के अधिसूचना संख्या 139 दिनांक 18/4/2000 के अनुसूची 1 द्वारा स्वीकृत सभी पदों को प्रत्यापित कर नए पदों का सृजन का आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि देखिए 18/4/2000 अनुसूची 1 के अंतर्गत कुछ पद इसमें डाले गए थे, लेकिन अब बोला जा रहा है अब करेंट सिनेरियो के हिसाब से अब नए पद का जरूरत है और नए पदों का भी प्रस्तापित किया जा रहा है और सृजन किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा नए पद सृजित होने से राज्य प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन प्रारंभिक स्तर से किए जाने, कम उम्र वाले खिलाड़ियों को प्रारंभिक खेल गतिविधियों में सम्मिलित किए जाने संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा, जिससे राज्य खेल का वातावरण तैयार किया जा सकेगा। राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने में मदद प्राप्त होगा। अतः बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सुगम प्रबंधन एवं संचालन हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कोटि के कुल 301 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, 11/7/2024 का ये नोटिस है और ये आज अपडेट किया गया है, ठीक है ना, ये बेसिकली आज अपडेट इसको किया जा रहा है। तो यहाँ पे 301 पद का आपने देख लिया, स्वीकृति प्रदान हो गया है। नेक्स्ट नोटिस में यहीं पे आप जब आगे आइएगा इसी में, ठीक है, तो इसी में आपको देखिएगा 81 नए पोस्ट का। अब देखिए नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल एकेडमी और अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 81 पदों का सृजन स्वीकृति प्रदान की गई है। तो वहाँ पे 301 है प्लस 81 कर दीजिए, कुल 382 पद यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहीं पे क्लियरली जो खेल विभाग है, खेल विभाग के अंतर्गत 382 नए पदों का सृजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ASO की अगर हम लोग बात कर लें, ASO का पद लगभग देखिए 10 से 12 पोस्ट इसमें ASO का होने वाला है। ज़्यादातर पोस्ट जो इसमें रहेगा, ज़्यादातर पोस्ट ध्यान रखिएगा खेल से संबंधित ही रहेगा, लेकिन इसमें ASO के बाद क्लर्क का अच्छा खासा पद रहेगा। इसी में आपको प्यून का भी रहेगा, 10th लेवल पर भी पद रहेंगे सब, ठीक है। तो वो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इससे संबंधित पदों की बात करें और जैसे वैकेंसी आएगी तो सब कुछ वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। इस वैकेंसी के अंतर्गत अगर किसी के भी पास खेल से संबंधित कोई भी सर्टिफिकेट होगा, NCC से संबंधित सर्टिफिकेट होगा, उन सबको इसमें काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि उनको वरीयता दी जाएगी जिनके पास खेल से संबंधित कोई सर्टिफिकेट होगा। तो बाकी कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए या इससे संबंधित कोई भी आपका क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर करिए मित्रों के साथ, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करते जाइए। जय हिंद।